मैं नौसेना के वीर अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। अवतार 2 के लिए क्या है खास तैयारी, क्या चेंजेस किए गए पेंडोरा वासियों के कैरेक्टर मॉडलिंग में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोस में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की लेजेंडरी क्रिएशन अवतार के बारे में, जो कि फाइनली अपनी स्टोरी को अब आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाली है अपने सीक्वल अवतार 2 से। अवतार 2 इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, लगभग 13 साल के लंबे गैप के बाद। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस मूवी की शूटिंग अंडर प्रोसेस चल रही है, और रिसेंटली जेम्स कैमरॉन ने सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस और स्टिल्स शेयर करते हुए अवतार 2 से रिलेटेड चीजें शेयर करी, जिनमें से दो पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें पहली पिक्चर में तो जेक पेंडोरा के किसी सनसेट की तरफ देख रहे हैं नदी के किनारे, तो वहीं दूसरी तरफ जेक नॉर्मल कपड़ों में दिखाया गया है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि पेंडोरा में अपर बॉडी क्लोथिंग बहुत ही कम लोग करते हैं, और उन्हीं में अब जेक का नाम भी शामिल है। अगर जेक के कैरेक्टर की बात करें तो उसे काफी ज्यादा फेडेड कलर दिया गया है, और साथ ही साथ बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीकन किया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि जेक अभी भी पेंडोरा के ईटिंग हैबिट्स को अडैप्ट कर रहा है, या फिर कर चुका है, जिस वजह से उसकी बॉडी को इस तरह शोकेस किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पेंडोरा वासियों में भी काफी फर्क देखने को मिलेगा। आखिरकार अब जेक सलीक ही उनका लीडर होने वाला है, जो कि तोरुक का ओनर भी है। अब क्योंकि मूवी का मेन टाइटल है वे ऑफ वाटर, सो ये बात तो साफ जाहिर है कि हमें एक्वाटिक एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, और उनमें भी कोई ना कोई तोरुक जैसा मेन एनिमल जरूर होगा, और पूरे ट्राइब की इच्छा भी यही होगी कि जेक सली उसे भी अपने साथ बॉन्ड करने में कामयाब हो जाए। मगर तोरुक को तो जेक ने एक शानदार प्लान बनाकर अपने साथ जोड़ लिया था, मगर अंडर वाटर क्या जेक ऐसा कर पाएगा और अपने हीरोइक्स दोहरा पाएगा, इसके बारे में हमें मूवी देखकर ही पता चल पाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या जेक पेंडोरा के एक्वाटिक किंग को भी अपने साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब होगा या फिर नहीं, इसके बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।